नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़। में हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नसरूल्लागंज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज वर्चुअल प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी बीएलसी घटक के आवासों का भूमि पूजन एवं गृह प्रवेश कराया गया, जिसके अंतर्गत नगर परिषद कार्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया तथा नगर के 148 हितग्राही को प्रथम किस्त तथा 12 हितग्राही को द्वितीय किस्त का भुगतान मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन आशीष शर्मा द्वारा किया गया। वही कार्यक्रम का रक्षीराम यादव, एडवोकेट सुनील महेश्वरी, अनिता लखेरा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेश पंबार, पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा संबोधित किया गया। वही नवागत सीएमओ विनोद प्रजापति का सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का समापन पर सीएमओ विनोद प्रजापति द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया। नसरूल्लागंज से चांदमिया की रिपोर्ट। 10-10, 20-20 नहीं 2-2 सौ मेरे वार्ड में 200 मकान बने हैं और बहुत अच्छे हैं। 2.5 लाख नहीं, कम से कम 5-5, 7-7 लाखों मतलब और भी एक्स्ट्रा मिला के अच्छे से अच्छे मकान, वीआईपी मकान बनाए। उनका सपना पूरा हुआ। आज पहले की स्थिति हम शहर में देखते थे, बहुत सारे कच्चे मकान दिखा करते थे। आज जिस गली में निकल जाए, शहर के जिस मोहल्ले जिस गली में निकल जाए, सबसे अच्छे मकान गरीबों के, उनको जिनको प्रधानमंत्री आवास मिले उनके भी देखने को मिलते हैं। बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वह निश्चित ही बधाई के पात्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा सार्थक करा है। समाज के अंतिम श्रेणी तक रहने वाले व्यक्ति को भी हमारी शासन की योजना का लाभ देने का कार्य किया है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बंधुओं, मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी ने यूं तो अनेकों जल कल्याणकारी योजना चलाई है, लेकिन सब योजनाओं में मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा किया है। अगर ये कार्य कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि जो आवास का अभी 1 लाख रुपए आ रहा है, उसको अपने मकान में ही लगाएं, अन्यथा कहीं खर्चा ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये मौका आता है जब हम अपना मकान पूर्ण कर पाते, और सरकार हमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है, जब ये राशि दे रही है। तो आप अपने मकान को पूर्णता बनाएं, जल्दी से आपका ये सपना पूरा हो। हितग्राही बंधु, पत्रकार बंधु, आप सभी को कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम सर कुछ महत्वपूर्ण कार्य से निकल गए, एसडीएम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।